हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि स्मार्ट एलईडी के अंदर नेट की कनेक्टिविटी कैसे की जाती है। तो ये आ जाएगा मेरे हाथ में स्मार्ट एलईडी का रिमोट, जो आप ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड, बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, ताकि आपको वीडियो की पूरी जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड, स्मार्ट एलईडी में नेट की कनेक्टिविटी करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपके घर पर वाईफाई लगा है तो आप वाईफाई के थ्रू नेट की कनेक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आपके घर पर वाईफाई नहीं लगा है तो आप अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन करके नेट की कनेक्टिविटी कर सकते हैं, जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये आ जाएगा स्मार्ट एलईडी का रिमोट, ये आ जाएगा पावर को ऑन ऑफ करने के लिए बटन, और ये आ जाएगा लेफ्ट और राइट करने के लिए, और यह आ जाएगा अप एंड डाउन करने के लिए, यह आ जाएगा बीच का बटन ओके का, और यह आ जाएगा होम पेज का बटन। आपको अपने टीवी में नेट की कनेक्टिविटी करने के लिए सबसे पहले आपको होम का बटन प्रेस करना होता है। होम का बटन प्रेस करते ही आपके जो एप्लीकेशन है टोटल ही आपके स्मार्ट एलईडी पर चालू हो जाती हैं। देन आपको राइट का बटन प्रेस करके आपको सेटिंग में जाना होता है। जैसे कि अभी हम यहाँ पर सेटिंग में आ चुके हैं, यहाँ पर सेटिंग का आप लोगो भी आप देख रहे हैं। आपको सेटिंग के बटन में आने के बाद यहाँ पर आपको ओके का बटन प्रेस करना होता है, तो आपके सामने ये सेटिंग के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपको सबसे पहले डाउन का बटन प्रेस करके आपको नीचे आना होता है, जो आप ये देख सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि अभी हम आ चुके हैं नेटवर्क नोड कनेक्शन पे, तो आपको यहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन करना है। जैसे कि आप नेटवर्क कनेक्शन करते हो तो उसके बाद ये के सामने दिखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर वाईफाई कनेक्शन करना होता है। वाईफाई कनेक्शन करने के बाद आपको अपने मोबाइल से अपने हॉटस्पॉट से कनेक्टिविटी करनी होती है। जैसा कि इसमें मेरे मोबाइल का नाम आ चुका है वीवो Y21A। अब मेरे को अपने स्मार्ट एलईडी को वीवो Y21A से कनेक्ट करना है, तो मेरे को इसमें ओके का बटन प्रेस करना है। तो ओके का बटन प्रेस करते आपके सामने ये पासवर्ड मांगने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने इसमें अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट का पासवर्ड लगा रखा है 1 2 3 4 1 2 3 4, एक बार हमें इसको एंटर करके देख लेना चाहिए। अनेबल टू कनेक्शन देन नेटवर्क प्लीज चेक देन नेटवर्क नेम एंड पासवर्ड एंड ट्राई अगेन, क्योंकि इसमें यह दिखा रहा है कि आपने जो इसमें पासवर्ड डाल रखा है वो गलत डाल रखा है। तो हम एक बार दोबारा ट्राई करके देख लेते हैं। जो हमने पासवर्ड डाल रखा था फ्रेंड, तो हमने डाल रखा था 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो एक बार हमें यहाँ से हम एंटर कर लेते हैं। जैसे अगर हम एंटर करते हैं तो ये एलईडी हमारी हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो चुकी है। तो आप ये देख सकते हैं, इसमें ऊपर लिखा भी आ रहा है वाईफाई कनेक्शन। अब एक बार अब इसमें हम होम का बटन प्रेस करके, तो फ्रेंड फाइनली इसके अंदर हॉटस्पॉट जो है हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब एक बार हम इसमें एप्लीकेशन चला के देख लेते हैं। ये आ जाएंगे स्मार्ट एलईडी के अंदर एप्लीकेशन, यूट्यूब का ऑप्शन मिल जाएगा इसके अंदर, नेटफ्लिक्स से मिल जाएगा, हॉटस्टार का ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर, आपको वेब ब्राउजिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है। एक बार हम इसके अंदर आप यूट्यूब ओपन करके देख लेते हैं। दोस्तों, फाइनली जो है हमारी स्मार्ट एलईडी वाईफाई से कनेक्ट हो चुकी है, ये देख सकते हैं हम। तो फ्रेंड फाइनली आप समझ गए होंगे कि स्मार्ट एलईडी के अंदर नेट की कनेक्टिविटी कैसे की जाती है। फ्रेंड, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकें। धन्यवाद।